हाय एवरीवन, दिस इज सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ऑलिवुड। स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। जो भी लोग हमारे साथ में सेशन में हो, इफ एवरीथिंग इज ओके, सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा, सब सही है, सो प्लीज टेल मी एंड वी विल स्टार्ट द सेशन। ठीक है, जितने भी लोग हो एक एक बार ही बता देना, हाँ एवरीथिंग इज फाइन एंड वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके, आज हम लोग अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन करने वाले हैं आज के सेशन में। Still not started. Okay, so yes. डू वन थिंग प्लीज, प्लीज डू शेयर द सेशन। ठीक है, एक एक बार सेशन को जरा शेयर कर दो, बिकॉज मैं नहीं कर पाई हूँ, तुम लोग कर दो। मैं शेयर नहीं की, तुम लोग करो, ठीक है ना। चलो, इफ एवरीथिंग इज ओके प्लीज गिव मी अ थम्स अप। थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए, मेरा वॉल्यूम ठीक ठाक इंक्रीज है। डू वन थिंग, तुम अपने फोन का वॉल्यूम इंक्रीज करो, बिकॉज मैं सही वॉइस में बोल रही हूँ, मेरी वॉइस बिल्कुल सही है। ठीक है, फटाफट सेशन को शेयर करो ताकि बाकी लोग जुड़े, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ओके ऑल राइट। चलो लेट अस स्टार्ट द सेशन। हु वॉज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी डिजिट इंश्योरेंस? रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और एम एस धोनी। ओके, सो क्वेश्चन इज वॉट दैट अभी डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किन को चुना गया था? ऑप्शन आपके सामने, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और एम एस धोनी। वॉट इज द आंसर? ओके, सो आई कैन गेट द आंसर एज द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी विराट कोहली, कैप्टन ऑफ इंडियाज मेंस टीम। विराट कोहली बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिट इंश्योरेंस, अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी विच बिकेम द फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2021 विद अ वैल्यूएशन ऑफ 1.9 बिलियन यूएसडी। याद रखिएगा, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2021 एंड वैल्यूएशन वॉज 1.9 बिलियन यूएसडी। बिसाइड ऑल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग, अच्छा अभी अभी विराट कोहली को रिसेंटली कौन सी कार कंपनी ने अपने वहां पर अपॉइंट किया है एज ब्रांड एम्बेसडर, जिनके ये पहले भी ब्रांड एम्बेसडर थे, रिसेंटली इन्हीं को वापस से किया गया है। वन मोर थिंग, हमारे वहां पर जो फोर्ड कंपनी है, ये अपनी कार मेकिंग जो इनकी प्रोसेस थी वो बंद करेगी इंडिया में। इट वोंट बी मेकिंग कार एनी मोर इन इंडिया। ओके, खैर जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है तो एक और चीज को याद रखे रहना, दैट फोन पे रिसेंटली फोन पे वॉज गिवन अथॉरिटी दैट दे कैन नाउ सेल इंश्योरेंस ऑन देयर प्लेटफॉर्म, ओके, ऑफ ऑल द कंपनीज। ऑडी, यस, ओके। नाउ हु रिसेंटली बिकेम द चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो? संजीव बजाज, ऋषभ बजाज, जमुना लाल बजाज, सुनैना केजरीवाल और नीरज बजाज। द क्वेश्चन इज वॉट? हु रिसेंटली बिकेम द चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो? यस, द आंसर विल बी वॉट? द आंसर विल बी नीरज बजाज। नीरज बजाज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बजाज ऑटो एज इट्स न्यू चेयरमैन, ही विल सक्सीड राहुल बजाज। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि राहुल बजाज ही विल बी सक्सीडिंग, एंड द कंपनी हैज ऑल्सो नेम्ड राहुल बजाज एज चेयरमैन एमेरिटस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 May 2021। ओके, हु वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA? कौन इनके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं? कुलदीप सिंह, वाईसी मोदी, राकेश अस्थाना, समंत गोयल या ऋषि कुमार शुक्ला। आंसर फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर? द क्वेश्चन इज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, द आंसर विल बी कुलदीप सिंह। ठीक है, कुलदीप सिंह को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया, ये आपके दिल्ली में बनाए गए हैं आपके कमिश्नर। समंत गोयल द चीफ ऑफ द चीफ ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, ये रॉ के आपके हो जाते हैं, इनको ध्यान रखे रहना। ठीक है, खैर इसका आंसर आपका क्या था? कुलदीप सिंह। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। ओके, हैज बीन गिवन एडिशनल चार्जेस डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इट इज इंडियाज काउंटर टेररिज्म टास्क, हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली। ओके, एवरीथिंग ओके, सुनाई बनाई दे रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
Here you people are. Thank God. Who was appointed as new CMD of BEML Limited in May 2021? ठीक है, BEML के कौन CMD अभी बनाए गए हैं? DK होता, अमित बनर्जी, MV राजशेखर, सुनीत शर्मा और MV गौतमा. एकदम आराम से सब आंसर्स करते हैं, ठीक है? इसी की वजह से सेशन बिना बात का जो है खिंचता रहता है. तुम लोग आंसर बहुत लेट करते हो. या द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी अमित बनर्जी जी. ठीक है, अमित बनर्जी जी को जो है CMD बनाया गया था. कहाँ का? BEML. BEML का फुल फॉर्म याद रखे रहना, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड. ये एक मिनी रत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर है. यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? अब एक और चीज आप लोग देखते हो यहाँ पे, DK होटा, ठीक है, ये कौन है, कोई बताएगा? यस, ये पहले रह चुके BEML के चीफ हैं. ही वॉज द प्रीवियस BEML चीफ. काफी सुना सुना आपको नाम लगता होगा. अभी और एक जगह आपको मिलेंगे ये. इन मे 2021 महेश बालासुब्रमण्यम वॉज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, महेश बालासुब्रमण्यम को MD CEO कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का बनाया गया था? टाटा AIA, मैक्स लाइफ, एगन लाइफ, SBI और कोटेक लाइफ, कोटेक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस. बता दे चलना. देखो, इनको कहाँ का बनाया गया था? कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस हैज अपॉइंटेड महेश बालासुब्रमण्यम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कोटक जनरल इंश्योरेंस, ओके, एज इट्स न्यू MD फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. ओके, ध्यान रखे रहना इस बात का. और आपके SBI के कौन होते हैं, इनको याद रखे रहना, MK शर्मा. इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज एग्जाम आपका SBI का है, ठीक है? तो SBI का याद रखना, इट विल बी MK शर्मा, महेश कुमार शर्मा. हु वॉज अपॉइंटेड एज नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SDG चौपाल? अजयता शाह, वर्गीज कुरियन, संजय राय, अंशु गुप्ता, हरीश हांडे. देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, SDG चौपाल का जो है नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? बेसिकली यस, द आंसर विल बी संजय राय. टू ऑनर द वेरियस इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय संजय राय शेरोप्रिया द एंटरप्रेन्योर एंड सोशल वर्कर ड्यूरिंग कोविड, SDG Chopal named him as the national brand ambassador. Okay, how to remember? You can just go through this and revise karte raho. Isi se hi bas yahi tarika hai. Whenever any such companies are coming in news, ek baar fir dekh lo ki haan kaun sa banda appoint hua tha. To yahi ek tarika hai jisse aap log inko yaad rakh sakte ho, warna aur koi bhi tarika nahi hai. Ye itni easy cheez nahi hoti hai, appointment resignations wagera. In May 2021, Jagannath Vidyadhar Mohapatra, theek hai, JB Mohapatra was appointed as interim chairman of which organization? इंडियन रेलवे, CBI, CBIC, NIA, CBDT. ओके, द क्वेश्चन इज की जगन्नाथ विद्याधर मोहापात्रा, JB मोहापात्रा, ये कहाँ के चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे? यस, अब ये फिलहाल में ये चेयरमैन ही हो चुके हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के, ठीक है? तो इनको जरा आप लोग ध्यान रखे रहेगा. JB मोहापात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. इंडियन रेलवेज की याद रखना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए. इंडियन रेलवेज के आपके कौन हो जाते हैं? सुनीत शर्मा जी हो जाते हैं. CBIC को ध्यान रखे रहो, यहाँ पे M अजीत कुमार जी होते हैं, ठीक है? तो ये जरा ध्यान रखे रहो, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इस बारी. हु वॉज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम? श्रीनिवासु MN, अजय कौशल, नुपुर चतुर्वेदी, AR रमेश, विजय शेखर शर्मा. He is only the current chairman also of CBDT. The question is what? Ki who has been appointed as CEO of Bharat Bill Payment System? The answer will be yes. The answer here will be Nupur Chaturvedi. Bharat Bill Payment System, and remember that she was the former executive of PayU India and Airtel Payment Bank as its new CEO. Okay. खैर, इसको अभी हम लोग हटाते हैं यहाँ पे. अभी आप इसको ध्यान रखे रहेगा, दो तीन न्यूज जुड़ी हुई है. द आंसर भी BBPS. एंड BBPS रन अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? इट रन अंडर NPCI, ठीक है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम किसके अंडर रन करता है? ये आपका NPCI के अंडर रन करता है. इफ इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, रिमेंबर द आंसर विल बी नुपुर चतुर्वेदी. हु वॉज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ बाटा इंडिया? संदीप कटारिया, गुंजन शाह, राजेश गोपीनाथन, कल्याण कृष्णमूर्ति और गोपाल मित्तल.
एनपीसीआई के आपके हेड, ठीक है चलो अभी इसका आंसर बताना। हु वॉज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ बाटा इंडिया? ओके, बाटा बिलोंग्स टू विच कंट्री, कौन सी देश की होती है? मैं बचपन से ये जानती थी दैट बाटा बिलोंग्स टू इंडिया, ये तो भारतीय ब्रांड है तो बाटा तो अच्छा नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों को क्या लगता है इंडियन ब्रांड्स, हालांकि अब तो सब पेट्रियॉट हो चुके हैं भयानक, बचपन में क्या होता था कि इंडियन ब्रांड है तो अच्छा नहीं होगा, ये हमारे माइंड में फिक्स हो जाता था, इजंट इट? है द आंसर विल बी व्हाट, गुंजन शाह, इंडियाज लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर बाटा इंडिया लिमिटेड अपॉइंटेड गुंजन शाह एज इट्स न्यू सीईओ, विल सक्सीड संदीप कटारिया हु वॉज एलिवेटेड एज ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा ब्रांड, बाटा इज हेडक्वार्टर्ड एट गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है कहाँ की ये एग्जैक्टली ब्रांड है, किस देश की? यूके, स्विट्जरलैंड और बताओ चार पांच कंट्री, कहीं की तो होगी। इन मे 2021 आईएएस ऑफिसर वी ईरानी अनबू वॉज अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? केरल, असम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और गुजरात। द क्वेश्चन इज वॉट कि वी ईरानी अनबू, ठीक है कहाँ के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए थे? आंसर विल बी व्हाट, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु ऑल्सो मेड एन एडवाइजरी पैनल एंड दे ऑल्सो अपॉइंटेड रघुराम राजन अंडर इट। ओके, एंड तमिलनाडु रिसेंटली दे हैव ओपन दुगोंग कंजर्वेशन, दुगोंग कंजर्वेशन इज नोन एज, सॉरी दुगोंग इज अ सी काउ, इट इज नोन एज सी काउ। ओके, एंड वन मोर थिंग, तमिलनाडु दे हैव सेड दैट एवरी ईयर 17 सितंबर विल बी नोन एज, will be in the memory of Periyarji, it will be known as Social Justice Day, 17th of September. Okay. Who was appointed as 25th Controller General of Accounts? Rajiv Maharshi, Soma Roy Burman, Deepak Das, G.C. Murmu or Shashikant Sharma? The question is ki who was appointed as 25th Controller General of Accounts? What? The answer will be what? Deepak Das, theek hai? G.C. Murmu is appointed at which post? Controller Auditor General, theek hai? So, Government of India appointed Deepak Das 25th Controller General of Accounts under the Ministry of Finance Department of Expenditure. Yes, the answer will be what? Deepak Das, okay? शशिकांत शर्मा जी कौन है? ध्यान से नाम पढ़ो, शशिकांत शर्मा, नॉट शक्तिकांत, ये कौन है बताओ? नेक्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज सीएम चेयरमैन ऑफ मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड? विजय देशवाल, अभय बुटाडा, कृष्णा एला, अदर पुनावाला, मिलिंद शिरोदकर। हाँ, द क्वेश्चन इज व्हाट कि मैग्मा फिनकॉर्प के आपके चेयरमैन कौन बनाए गए थे? वेरी गुड, dance will be what? Dance will be Adar Poonawalla. Also remember, he has given the award of Asian of the year and was also included in Times 100 most influential people list. ठीक है, Times 100 most influential में Adar Poonawalla थे इनके साथ में, Mamata Banerjee was also included and Mamata Banerjee and also Narendra Modi. Okay, Narendra Modi. These three persons were included in Times 100 most influential people and it was taught by Joe Biden. खैर, इसका आंसर आपका होगा अदार पूनावाला। नाउ साइरस पूनावाला, इन्हें रिसेंटली कौन सा अवार्ड दिया गया है? साइरस पूनावाला रिसेंटली ही हैज बीन बेस्टोर्ड विथ विच अवार्ड? हाँ, बाल गंगाधर तिलक नहीं है, लोकमान्य तिलक अवार्ड होगा। ओके, Who was appointed as head of expert group set up by Labour Ministry to make recommendation on national minimum wages? DPS Negi, Ajit Mishra, Vibha Bhalla, Tarika Chakravarti or Anushree Sinha? Okay, so the question is, who was appointed as the head of expert group set up by Labour Ministry to make recommendations on national minimum wages? The answer will be what? The answer will be Ajit Mishra. Okay, now a few more things remember that recently a group was made from under which it will be seen that how many items will be exempted from GST. Those items that relates to COVID medicine or drugs, okay, anything. So for this, a committee was made under Conrad Sangma.
Conrad Sangma. Okay, and a committee was made for the Journalism Welfare Society. It was made under A. Tandon. ठीक है, फिर फॉर डिजिटल लेंडिंग अ कमिटी वॉज मेड अंडर जयंत दास. ओके, देन फॉर स्ट्रेंथनिंग द यूसीबीज कमिटी वॉज मेड अंडर एन एस विश्वनाथन. एंड मेकिंग द डिजिटल पेमेंट स्ट्रॉन्ग इन अ कंट्री अ कमिटी वॉज मेड अंडर नंदन नीलकानी. ओके, name the country that took over the presidency of UNSC for the month of August. France, India, Italy, Bangladesh, Brazil. The question is what? Ki name the country that took over the presidency of UNSC. Yes, the answer will be India. India took over, and also in December 2022 India will be getting the presidency of UNSC. UNSC is the principal organ of UN, United Nations, and is having 15 members. 5 are permanent, 10 are temporary. For 2 years, they are selected. These 5 countries, okay, they are having veto power. India is not among them. Okay, and India is also elected in ECOSOC 3 bodies for the 2024. They have been elected over here. Okay, so remember these points as well. This is again very, very important. Answer will be what? India. Who was appointed as Director General of ESIC? Mukhmeet S. Bhatia, PC Chaturvedi, Inderjeet Arora, Ajay Bhushan Pandey, and NK Singh. Okay. Jo log dekh rahe ho, thoda sa like kar do. Okay. Whosoever is watching, ek bar like kar do. मैं सुबह से क्लास ले रही हूँ, अभी भी क्लास ले रही हूँ. बताओ कोई करता है इतनी मेहनत? तुम्हारे अलावा कोई करता होगा? तुम लोग इतना पढ़ते होगे और मैं इतना पढ़ा रही हूँ, और कौन करता होगा बताओ? ठीक है, तो एक एक बार सेशन को लाइक कर दो. नाउ द क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC, एंड ऑप्शंस आई कैन सी मुखमीत भाटिया. एवरीवन, यस, ओके, द आंसर विल बी व्हाट? मुखमीत भाटिया अज्यूम द चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, now moving to next. In June 2021, Patrick Amoth was appointed as chairman of WHO executive board. Patrick Amoth belongs to which country? He took it from whom? He took it from Harshvardhan ji. Okay, the question now is, he belongs to which country? Switzerland, Zimbabwe, Ukraine, Kenya, or Georgia? Yes, very good. The answer here will be what? The answer here will be Kenya. Okay, Dr. Patrick Amoth of Kenya has been appointed as chairman of WHO executive board for a period of 1 year. He succeeds Dr. Harshvardhan, who completed his tenure of chairman of WHO executive board on June 2, 2021. Who was appointed as ambassador of RBI's awareness campaign on digital banking frauds? Rajkumar Rao, Mirabai Chanu, Neeraj Chopra, Ayushman Khurrana, PV Sindhu. The answer will be Neeraj Chopra. Okay, Mirabai Chanu, she has been appointed as MV, and also she has been appointed for Adidas. Okay, Rajkumar Rao, Cashify, he has been appointed as advocate to UNICEF. PV Sindhu, already having approx like 10 brands and working as 10 brands the ambassador. ओके, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इनके अंडर. खैर, यहाँ पे नीरज चोपड़ा है, इनको भी काफ़ी सारे के लिए रोपिन किया गया है. जिलेट के लिए इनको रोपिन किया गया हुआ है. देन RBI का डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, देन क्रेड ने अभी इन्हें किया है. ओके, तो ये सारे इनके अंडर है. एनी वे, या एंड यस, एवरी ईयर 7th of August विल बी सेलिब्रेटेड एज जेवलिन थ्रो डे. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. Who was appointed as new MD of LIC? Mini IP, Vipin Anand, MR Kumar, Siddharth Mohanty, or Manjushri Khaitan? Yes. क्या आंसर होगा इसका?
थोड़ा और तेजी से आंसर करो, बहुत स्लो कर रहे हो तुम लोग अब। यस, ये आज का इजिएस्ट क्वेश्चन है, इजंट इट? द आंसर विल बी व्हाट? मिनी ईपी। क्या आपसे पूछा था? मैनेजिंग डायरेक्टर। हैड इट बीन चेयरमैन तो ये आपके कौन हो जाते? एम आर कुमार। ठीक है, द आंसर विल बी व्हाट? मिनी ईपी। ओके, एंड शी विल बी रिप्लेसिंग विपिन आनंद। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती कौन है बताइएगा? हु इज सिद्धार्थ मोहंती? हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम? सोमा मंडल, चंदा कोचर, उषानंद सुब्रमण्यम, अरुंधति भट्टाचार्य या रेखा मेनोन? फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम वेरी गुड, द आंसर विल बी व्हाट? रेखा मेनोन। एक्सेंचर इंडियाज चेयरपर्सन एंड सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर रेखा मेनोन हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ आईटी इंडस्ट्रियल बॉडी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नास्कॉम। शी बिकेम द वेरी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। ओके, एंड सोमा मंडल द वेरी फर्स्ट चेयरपर्सन वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल। पहले आ गए तो लोग। RBI approved the reappointment of Prakash Chandra as non-executive chairman of which bank? Okay, so it will be RBL. RBL has appointed AWS as their preferred cloud provider. ठीक है, ये ऐसे ही आंसर मिल गया था आपको पहले पहले ना। RBI approved the reappointment of Vishwavir Ahuja as MD and CEO for a period of 1 year to which bank? Karnataka, IDFC First, RBL, City Union or IndusInd? See, the question is what? He, Vishwavir Ahuja has been appointed as, reappointed as MD and CEO of who? RBL. ठीक है, इसको ध्यान रखे रहना, हालांकि ये बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, also Sandeep Bakshi was also reappointed as ICICI chairman, okay? And Shyam Srinivasan as Federal Bank chairman. इन तीन लोगों की अभी reappointment की गई है, ठीक है? In April 2021, RBI approved the appointment of Atanu Chakravarti as the part-time chairman of which bank for a period of 3 years? HDFC, ICICI, Axis, Citibank or Canara Bank? अब यहाँ अतानु कुमार दास भी आ जाएंगे, तुम्हें भी आप लोगों को confusion हो, ठीक है? So first tell me, Atanu Chakravarti has been appointed as part-time chairman of which bank for a period of 3 years? Yes, the answer will be, कुछ लोग Axis भी बता रहे हो, the answer will be HDFC. अतानु कुमार दास कहाँ के हुए हैं? Atanu Kumar Das. He has been appointed as chairman of which company? He has been appointed as chairman of Bank of India. ठीक है? Who was appointed as additional director of Britannia Industries Limited? Urjit Patel, Raghuram Rajan, BP Kanungo, KC Chakrabarty या M Rajeshwar Rao? ओके, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया था ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का? आंसर क्या हो जाएगा? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, एंड ऑल्सो रिमेंबर द बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी विच इज बीइंग फर्निश्ड नाउ दैट हैज ऑल्सो बीन गिवन बाई उर्जित पटेल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना। इनकी किताब आई थी ओवरड्राफ्ट। ओके, चलो। Raghuram Rajan, as we have already discussed, he has been appointed as in the advisory panel of Tamil Nadu government. Okay, and he recently passed away. So, ye news mein the. Who was appointed as MD and CEO of National Commodity and Derivative Exchange Limited by SEBI? Ajay Tyagi, P.S. Reddy, Arun Raste, G.V. Nageshwar Rao, ya Vijay Kumar? You people have done it so many times. The answer will be what? The answer here will be Arun Raste. SEBI approved the appointment of Arun Raste as MD CEO of NCDEX for a term of 5 years. He succeeds Vijay Kumar. Okay? And Ajay Tyagi, he is the chief of SEBI only. Okay? Now. In April 2021, Amitabh Chaudhary was appointed as MD and CEO of which bank for a 3-year term until 31st December 2021? Abhi aage kar dete hain, theek hai? ICICI, Axis, Federal, Bandhan, City Union. The question is what? The question is ki in April 2021, Amitabh Chaudhary was appointed Amitabh Chaudhary ka naam aa raha hai, toh tum log ke dimaag mein koi bank kaise aa sakta hai? The answer will be what? The answer will be Axis itself, okay?
इंसान में कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है किसी को भी। यहाँ पे कौन हो जाएंगे आपके, संदीप बख्शी जी, श्रीनिवासन जी, ठीक है, ये आपके घोष साहब हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके अभी किनको अपॉइंट किया गया था, हितेंद्र दावे, नो HSBC, ठीक है। सिटी यूनियन की कौन है बताओ जरा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक पे 25 लाख की पेनाल्टी लगी थी। देन इनका जो व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस है, द व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस, इट हैज़ क्रॉस्ड 1 मिलियन कस्टमर्स मार्क, ओके। देन ऑल्सो रिमेंबर दैट एक्सिस बैंक, दे हैव लॉन्च्ड ऑरा क्रेडिट कार्ड, ओके, इन्होंने अपना ऑरा क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करा है, ओके, यस। एंड दे हैव ऑल्सो इनिशिएटेड द पार सैल्यूट इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स तो खैर हम लोग डेली करते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज इंटरिम सीईओ ऑफ HSBC? सुरेंद्र रोशन, नोएल क्विन, हितेंद्र दावे, मनीष जैन, जरीन दारूवाला। हाँ, द क्वेश्चन इज इंटरिम सीईओ ऑफ HSBC, हु इज द सीईओ एक्चुअली, यस। फॉर इंडिया इट इज हितेंद्र दावे, फॉर ओवरऑल इट इज नोएल क्विन, ओके, ही इज फॉर ओवरऑल। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? सोमा मुंडल, सुनीता रेड्डी, रेखा शर्मा, धृति बनर्जी, चित्रा रामकृष्णन। ओके, सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, शी इज द वेरी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर इन ओवर 100 ईयर्स, एंड हु इज शी? धृति बनर्जी, यस। द आंसर विल बी व्हाट? धृति बनर्जी, शी हैज बीन अपॉइंटेड, शी इज द हेड ऑफ सेल, ओके। कैन यू पीपल टेल मी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वेरी फर्स्ट चीफ ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड? Who was appointed as new mission director of Niti Aayog's Atal Innovation Mission? Arvind Pangaria, Rajiv Kumar, Ramanath Raman, Chintan Vaishnav ya Amitabh Kant? Vartika Shukla, very good, very good. Aur Vartika aage to Vantika Agrawal ko yaad rakhna, wo National Women's Championship Chess mein jeeti thi, theek hai? Chalo kya? Aapse puche kya ja raha hai? Mission director of Niti Aayog's Atal Innovation Mission. Okay, to iska answer kya ho jayega? The answer will be Chintan Vaishnav. He is the CEO ऑफ नीति आयोग, एंड ही इज, राजीव कुमार जी जो है ये आपके वाइस चेयरमैन है। अरविंद पानगरिया जी की अभी एक बुक आई थी, एनी वन हु कैन टेल मी वॉट इज द नेम ऑफ द बुक? अभी इन्होंने एक रिलीज करी थी अपनी बुक, ओके, और इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ में पढ़ा भी था सेशन में, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, ओके। तो अभी इनकी रिसेंट कौन सी बुक आई है? एक तो रिक्लेमिंग करके आती है, मॉक इन अ मर्स, वेरी गुड। बाकी लोग भी कोई लोग बताओ, एक इनकी रिक्लेमिंग ग्लोरी आई थी इंडिया की, ठीक है, अभी रिसेंट एक इन्होंने लॉन्च करी थी। मॉन्क की है कोई? मॉन्क की कौन सी है? हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, दैट इज आईफ्यूना? मुकुल संगमा, शंभुनाथ श्रीवास्तव, विजय चक्रवर्ती, रंजन गोगोई, एन वी रमन। द क्वेश्चन इज आईफूना, फुल फॉर्म भी देख लो, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। द आंसर विल बी शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव द फॉर्मर इलाहाबाद हाईकोर्ट जज एंड फॉर्मर चीफ लोकायुक्त छत्तीसगढ़ हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। ही सक्सीडेड मुकुल संगमा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, ओके। Who was appointed as brand ambassador of JK Tyres? John Abraham, Narayan Karthikeyan, Akshay Kumar, Karun Chandho, ya Salman Khan? See, who was appointed as brand ambassador of JK Tyres? Okay, ye to asaan sa sawal tha. Yes. JK Tyre and Industries Limited has appointed India's first Formula One racer Padma Shri Narayan Karthikeyan as its brand ambassador. Italian luxury brand Bulgari has appointed actress Priyanka Chopra Jonas as its global brand ambassador. Okay? Who was appointed as brand ambassador of Khadi Prakritik Paint?
इंडियाज ओनली पेंट मेड ऑफ काउ डंग, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह या बी एस येदियुरप्पा? यस, द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, एमएसएमई के अब ये नहीं है, ठीक है ये हटा देना। नारायण रने जी, अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट टू प्रमोट द पेंट अक्रॉस द कंट्री एंड एनकरेज द यंग एंटरप्रेन्योर्स टू मैन्युफैक्चर इट। खादी प्राकृतिक पेंट इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली पेंट मेड फ्रॉम काउ डंग। Who was appointed as new chairman and managing director of North Eastern Development Finance Corporation Limited? PVSL and Murthy, Rupali Kalita, B. Paul Muktiya, Moshesh Chalai ya C.H. Kal Singh? Okay, so the question is NED FI ke aapke, bahut hi bhayanak naam hai, PVSL and Murthy as in चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ही टुक चार्ज एज न्यू सीएमडी ऑन 1st जुलाई सक्सीडिंग बी पॉल मुक्ति। एनईडीएफआई इज हेडक्वार्टर्ड एट गुवाहाटी असम। हु बिकेम द एक्टिंग सीईओ ऑफ आईसीसी आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ मनु साने फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ? ग्रेग बागले, इमरान ख्वाजा, जियोफ एलार्डिस, शशांक मनोहर और सुनील गावस्कर? ओके, सो द क्वेश्चन इज कि हु इज द रीसेंट सीईओ ऑफ आईसीसी? इज इट ग्रेग बागले? चेयरमैन कौन है बताओ जरा, हु इज द चेयरमैन देन? मनु साने, सीईओ ऑफ आईसीसी, हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट फॉलोइंग द रिपोर्ट अगेंस्ट हिज एब्रेसिव बिहेवियर विद हिज कलीग्स। जियोफ अलार्डिस विल बी कंटिन्यूइंग एज द एक्टिंग सीईओ ऑफ आईसीसी। ओके, सो हु इज द चेयरमैन? ये तो हमने सीईओ पढ़ा, चेयरमैन और सीईओ की पोस्ट अलग होती है। पहले ये आपके आखिरी थे, सॉरी ये आखिरी कह रही हूँ, लास्ट टाइम क्या होती थी, प्रेसिडेंट होती थी, लेकिन इस पोस्ट को हटा दिया गया। नाउ द पोस्ट इज ऑफ सीईओ एंड चेयरमैन, और इसको डिफ्रेंशिएट करके हमेशा याद रखना, यस ही विल बी द चेयरमैन बागले साहब। हु हैड रिप्लेस्ड विनोद के दशारी टू टेक ओवर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रॉयल एनफील्ड? बी गोविंद रंजन, किशोर बियानी, कलानिधि मरन, तुलसी दांती या के आई वर प्रसाद रेड्डी? ओके, सो रीड इट केयरफुली। हु हैड रिप्लेस्ड विनोद के दसारी टू टेक ओवर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रॉयल एनफील्ड? यस, द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर हियर विल बी बी गोविंद राजन, ठीक है। विनोद के दसारी, सीईओ ऑफ रॉयल एनफील्ड, हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, बी गोविंद राजन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रॉयल एनफील्ड। ओके, इट इज अ सब्सिडियरी ऑफ आयशा मोटर्स लिमिटेड, एन इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी। नाउ, हु वाज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? अनूप पब्बी, एनएस कनन, पीसी कांडपाल, कल्पना संपत या प्रशांत त्रिपाठी? प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस की बात आपसे कर रहा है, एमडी सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? यस, द आंसर विल बी कल्पना संपत, ठीक है। प्रमेरिका एलआईसी, अ प्राइवेट लाइफ इंश्योरर, अपॉइंटेड कल्पना संपत एज इट्स एमडी सीईओ विद इफेक्ट फ्रॉम 9th April 2021। यस, इन जून 2021 आरबीआई गेव अप्रूवल फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? फेडरल बैंक, बंधन बैंक, करूर व्यास या एक्सिस या यस? ओके, चंद्रशेखर घोष को जो है आरबीआई ने अप्रूवल दिया था रीअपॉइंटमेंट का, ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। द आंसर विल बी व्हाट? यस, द आंसर हियर विल बी बंधन बैंक। ओके, ये तो आपके श्रीनिवासन जी हो जाते हैं, यहाँ पे आपके प्रशांत जी हो जाते हैं, और यहाँ पे आपके अमिताभ जी। इन जुलाई 2021 आरबीआई अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? कितनी बार हम लोग ये क्वेश्चन आज कर लिए, अब तक तुम लोग को रट गया होगा। बस भगवान, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में तो मजा आ जाएगा, इज़न्ट इट? ओके, सो हु आरबीआई अप्रूव रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? ऑब्वियसली द आंसर विल बी फेडरल बैंक। ओके,
नेम द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर एमवेज न्यूट्रीलाइट रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ये भी अभी अभी हमने बात करी. नीरज चोपड़ा, मीराबाई शानू, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, लवलीना बोरगोहेन. The question is, who was appointed as brand ambassador for MV's Nutrilite range of products? Yes, Mirabai Chanu. Okay. Also, she was appointed for Adidas. She won silver medal in weightlifting in 49 kg category in Tokyo Olympics. Okay. Who was appointed as educational advisor of the World Bank? आनंद कुमार, रंजीत सिंह दुसाले, बाबर अली, वागेश्वरी देशवाल, टी एन सीमा. ये तो हम लोगों ने बहुत बारी बात करी है. क्वेश्चन इज, किसको अपॉइंट किया गया था एजुकेशनल एडवाइजर वर्ल्ड बैंक का? The answer will be Ranjit Singh Dasale. Last year he was given Global Annual Teacher Prize Award. Anand Kumar ko bhi recently Swami Brahmanand Award diya gaya hai. Theek hai, Anand Kumar ji ko diya gaya hai. Khair, iska answer kya tha? Ranjit Singh Dasale. Name the person who was appointed as brand ambassador of Newberg Diagnostic to bring health awareness. MS Dhoni, PV Sindhu, Virat Kohli, Rohit Sharma or C. Mirabai. Who has been appointed as brand ambassador of Newberg Diagnostic to bring health awareness? The answer will be MS Dhoni. India's fourth largest demonstrative lab chain, Newberg Diagnostic, had appointed cricketer Mahendra Singh Dhoni as its brand ambassador. Okay. Who was recently appointed as first woman director general of National Council of Applied Economic Research? Jayati Ghosh, Poonam Gupta, Geeta Gopinath, Soma Mundal, Soumya Swaminathan. NCAER की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनाई गई हैं? ओके, सो मेरी पेन ये रही. आंसर विल बी पूनम गुप्ता. पूनम गुप्ता, इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. शी विल सक्सीड शेखर शाह, द डीजी ऑफ NCAER सिंस 2011. And assume office as the new DG of NCAER on 1st July 2021. Okay. Also remember, she will be succeeding whom? Ye bhi questions kabhi kabhi aapse exam mein puchh jaate hain. She will succeed whom? And yes, remember, kal morning mein aap logon ke 151 questions hone wale hain. 151 questions hone wale hain. Ye kal morning mein aapki Aditya sir le rahe hain. Theek hai? Isko attend kar lena. And Monday morning, sorry, next day 300 questions honge. Ye main le rahi hoon. Theek hai? तो आप लोग देखो, आप लोगों को 450 क्वेश्चंस मिल रहे हैं. ओके, ये इसको अटेंड कर लेना सभी लोग. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. ओके, नो सी, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? हर्षिल माथुर, अजीत मोहन, ध्रुव श्रृंगी, अमित अग्रवाल या संजय गुप्ता. या The answer will be what? The answer here will be Sanjay Gupta. ठीक है, Internet and Mobile Association of India has appointed Google India Vice President and Managing Director Sanjay Gupta as its Chairman. IAMAI also named Facebook India's MD Ajit Mohan as its Vice Chairman. Who recently became the CMD of THDC India Limited? RK Vishnoi, Manoj Jain, Ravinder Singh Dhillon, Gurdeep Singh or Abhay Kumar Singh? ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ क्यों कराऊंगी, मैं अपनी खुद की बनवाती हूँ. ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट. ओके, सो हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ टीडीएचसी? ओके, सो रिसेंटली आरके विश्नोई वाज अपॉइंटेड. ठीक है, इनको बस ऐसे रटे रहो, ऐसी अपॉइंटमेंट्स रेयर आती हैं, लेकिन आ जाती हैं. ठीक है, जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं वो हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा ये लोग फोकस करेंगे.
और इसके अलावा अपने वहां पर बैंकिंग सेक्टर में इस फोकस करते हैं, या फिर कोई नेशनल लेवल की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है तो उस पर फोकस करते हैं। इस तरीके की जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये कम पूछे जाते हैं। ओके चलो, क्या हु वॉज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक रिप्लेसिंग पद्मजा चंद्रू, संजीव चड्ढा, अतानु कुमार दास, एलवी प्रभाकर, शांतिलाल जैन, अमिताभ चौधरी। या द आंसर विल बी व्हाट, शांतिलाल जैन जी। ठीक है, ये आपके बीओबी क्यों हो जाएंगे, ये बैंक ऑफ इंडिया हो जाएंगे, कनारा और ये एक्सिस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शांतिलाल जैन, कहां पे, इंडियन बैंक के। हु रिसेंटली बिकेम द सीईओ ऑफ बीओआई एएक्सए इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, मिनी ईपे, एंथनी हरेडिया, संदीप दास गुप्ता, अतानु कुमार दास, राजीव गौबा। प्लीज से 450 क्वेश्चन डिटेल इन इंग्लिश। आई एम सेइंग दैट टुमारो आदित्य सर विल बी टेकिंग 151 क्वेश्चंस फॉर एसबीआई एंड डे आफ्टर टुमारो आई विल बी टेकिंग 450 क्वेश्चंस फॉर एसबीआई। सो सॉरी 300 क्वेश्चन, ओके 300 क्वेश्चन। सो व्हेन यू विल कंबाइन देम बोथ यू विल बी गेटिंग 450 क्वेश्चंस फॉर एसबीआई क्लर्क। ओके ओके, सो द क्वेश्चन वॉज हु वॉज अपॉइंटेड अ सीईओ ऑफ बीओआई एएक्सए इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, द आंसर विल बी एंथनी हरेडिया। ओके, ही विल सक्सीड संदीप दास गुप्ता। ओके, सो ही विल बी सक्सीडिंग, ओके शी इज द एमडी। ओके, बाकी ये बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन लोगों को तो ऐसे आप लोग याद रखे रहना। रिसेंटली आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर हु रिटायर्ड विच लेड टू रिशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग द रिमेनिंग डीजीज। ठीक है, अभी रिसेंटली कौन आरबीआई के अप्रैल में जो है डिप्यूटी गवर्नर रिटायर हुए थे, एम के जैन, सचिन चतुर्वेदी, माइकल पात्रा, बीपी कानून को और राजेश्वर राव। या द आंसर विल बी बीपी कानून को। ओके, आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर बीपी कानून को रिटायर्ड आफ्टर सर्विंग एज डिप्यूटी गवर्नर फॉर 4 इयर्स। ओके, ऑल हिज पोर्टफोलियोज वर रिशफल्ड। नाउ रिसेंटली हु आर द, यस टी रविशंकर इज द वन अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री। ये आपके चार क्या हो जाते हैं, डिप्यूटी गवर्नर्स हो जाते हैं। ओके, एम के जैन, पत्र साहब, राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू सीएमडी ऑफ सिडबी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यूबी प्रवीण राव, एस रमन, जी आर चिंताला, अजय त्यागी या सुनीत शर्मा। बताते चलो भाई, ये आसान सवाल है फिर से, आंसर विल बी एस रमन। ये आपके इंफोसिस के सीओओ हैं। ओके, ये नाबार्ड के चीफ हैं। ओके, सेबी एंड ये इंडियन रेलवेज। ओके, द आंसर विल बी व्हाट, एस रमन। ओके, S. Raman, the CEO of National E-Governance Services Limited, has been appointed as Chairman and Managing Director of SIDBI for a period of 3 years. SIDBI is located where? SIDBI is located in Lucknow. And was made in 1990. Who was reappointed as Chairperson of National Commission for Women for 3-year term? Soma Mundal, Sunita Reddy, Rekha Sharma, Dhriti Banerjee, Chitra Ramakrishnan. Yes, the answer will be, who was appointed as chairperson of National Commission for Women for a 3-year term? The answer will be Rekha Sharma. President of India appointed Justice Dash as the Dash Chief Justice of India in April 2021. Vineet Saran 48, Uday Lalit 51st, N.V. Raman 51st, Uday Lalit 49th, N.V. Raman 48th. So, bahut hi aasan sawal hai. Yes, the answer will be N.V. Raman 48th. Okay, and currently there are 33 judges, okay, in Supreme Court, including CJI. What is the maximum number of judges can be there in Supreme Court? That can be 34. Right now there are 33.
In September 2021, V. Vaidyanathan was reappointed by RBI as MD and CEO of which bank? NABARD, SIDBI, Bank of India, IndusInd, IDFC First Bank. बताओ भाई, वी वैद्यनाथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है. ओके ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. ओके ऑफिसर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स. ओके इस बात को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा. ओके चलो ये हमारा आज का सेशन था. नाउ विल मीट अगेन इन टुमारोज सेशन. और फिर मैं आपसे एक बात बोल रही हूँ कि हमने इसके पहले 8 PM का अपना किया था SBI क्लॉक मेंस का सेशन. यहाँ पे अगर आप लोग अटेंड किए थे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ठीक है, नहीं किए थे कोई बात नहीं, लेकिन PDF जब भी टाइम, अब तो कितना ही देना, अब क्या PDF पढ़ोगे. बट हाँ, सेशन जो भी हुआ करे उसे अटेंड करना चाहिए. जो तुम लोग लास्ट 2-3 दिन के पहले एक्टिव होते हो ना, वो थ्रू आउट द ईयर रहोगे तो फिर तुम लोगों का रिस्पॉन्स बहुत सही रहेगा जीए का. ओके चलो फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कोई भी कोर्स लेने में तो यू कैन यूज द कोड सुष्मिता ओके टू गेट एडिशनल 5% ऑफ. विल मीट अगेन टिल देन. ऑब्वियसली ये हेल्पफुल है तभी आपका बनाया जा रहा है. ठीक है, कल मॉर्निंग में किस टाइम है सेशन? कल मॉर्निंग में 8 AM पर होगी आपकी सेशन. ठीक है, टुमारो मॉर्निंग 8 AM आदित्य सर लेंगे क्लास आपकी, तो आप लोग वो अटेंड कर लेना. ओके, विल मीट अगेन. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय, लव यू, एंड जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस.